दोस्तों मैं फराज मलिक, कृषि कानून CAA NRC और किसान आंदोलन की बात मैं बाद में करूंगा, पहले आपको गुरुग्राम की तरफ ले चलता हूं। काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि कल गुरुग्राम के अंदर गुरुद्वारे में जुमे की नमाज अदा की गई या फिर नहीं हुई। आपको याद होगा दो दिन पहले ही गुरुद्वारे की तरफ से यह कहा गया था कि आप यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं अगर आपको बाहर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है तो। अच्छा फैसला लिया था, लोगों ने काफी तारीफ भी की, लेकिन कल खबर यह आ रही है कि गुरुद्वारे के अंदर जुमे की नमाज नहीं हुई। जब गुरुद्वारे की तरफ से यह बात कही गई कि आप यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं, तो कुछ स्थानीय जो पंजाबी समुदाय के लोग थे, सिख समुदाय के, उन्होंने इसका विरोध किया कि गुरुद्वारे के अंदर सभी धर्मों के आने की इजाजत तो है, लेकिन यहां पर सिर्फ गुरु का ही गान होता है, किसी दूसरे धर्म को इबादत करने की इजाजत नहीं है। अगर यहां पर नमाज होती है तो हम इसका विरोध करेंगे। कुछ स्थानीय सिख समुदाय के लोगों ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां पर नमाज ना पढ़ने का निर्णय लिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि आज गुरु पर्व है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से यहां पर कोई विवाद हो, इसलिए हम यहां पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ कुछ लोग, दो चार लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमें नमाज ऑफर की कि आप यहां पर नमाज पढ़ें, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमने उनके दिलों में नमाज पढ़ ली। जिस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमें नमाज पढ़ने का ऑफर किया, हमने उनके दिलों में नमाज पढ़ ली। यह बात कहते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। फिलहाल गुरुद्वारे में तो नमाज नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा अक्षय यादव जो एक हिंदू भाई है सेक्टर 12 की, उन्होंने अपनी जो दुकान दी थी उस दुकान में जुमे की नमाज अदा की गई। अब चलते हैं कृषि कानूनों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान किया कि उनके चाहने वालों को काफी ज्यादा बुरा लग गया। उनको लगने लगा कि अब CAA NRC कानून भी सरकार वापस कर देगी, क्योंकि जन आंदोलन के सामने मोदी सरकार कभी टिक नहीं पाई है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जन आंदोलन का सामना करते हुए मोदी सरकार ने किसी कानून को वापस किया हो। इससे पहले भी 2015 में एक कानून जन आंदोलन का सामना करते हुए मोदी सरकार वापस ले चुकी है। 2015 में भी मोदी सरकार किसानों के लिए एक कानून लेकर आई थी, भूमि अधिग्रहण कानून। इस कानून का भी किसानों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। चार बार अध्यादेश लागू किया गया मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन यह कानून लागू नहीं हो पाया। 2015 में भी किसानों की तरफ से आंदोलन किया गया था, जिसके बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा और एक मन के बात के कार्यक्रम में मोदी जी ने इस बात का ऐलान किया कि हम इस भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेते हैं। तो उस बार भी जन आंदोलन का सामना करते हुए मोदी सरकार को झुकना पड़ा था और अभी भी झुकना पड़ा है। इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो जन आंदोलन का सामना कर सके। जैसे पहले झुकी थी जन आंदोलन के सामने, अब एक बार फिर झुकी है, और ऐसे ही CAA और NRC वाले मामले में भी मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बड़ा तबका देश का किसी कानून का विरोध करता हो तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी कानून को लागू कर पाना। उन्होंने कहा कि CAA NRC कानून भी अब वापस होगा, क्योंकि किसान आंदोलन की तरह ही CAA और NRC कानून का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सभी धर्मों के लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग कर रहे हो। तो ऐसे में मोदी जी के चाहने वाले भी यही कह रहे हैं कि CAA NRC कानून भी अब मोदी जी वापस कर देंगे, इसी तरीके से झुक जाएंगे। वो कहावत आपने सुनी है ना कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना